गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सर स्नेहा चौधरी फ्रॉम आर्डिसन स्कूल, क्लास यूकेजी, सब्जेक्ट इंग्लिश। इससे पहले मैंने आपको कैपिटल लेटर बनाना सिखाया था। ये अल्फाबेट्स हैं आपके, कैपिटल लेटर ए से लेके जेड तक, स्मॉल लेटर ए से लेके जेड तक, ठीक है। पेज नंबर 3 पे है, मैंने आपको सिखाया था बनाना। अब आ जाइए पेज नंबर 4 पे। यहाँ पे आपको एक्सरसाइज दे रखी है, कैपिटल लेटर्स को आपको इसमें बनाना है आपको, ठीक है। इसमें कुछ लाइनों में प्रेस करना है आपको, इसके ऊपर से उसको फिरा कर लिखना है आपको, और उसके बाद इनके बाद के अक्षर को, उसके लेटर को भी आपको लिखना है। जैसे ए के बाद यहाँ पर कुछ नहीं दे रहा था, तो आपको यहाँ पे बी फिल कर देना है, बी बनाना है, ठीक है। इसी तरीके से आपको कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर ये फिल करना है आपको अपनी बुक में। पेज नंबर फोर कंप्लीट इन योर बुक, इसको अपनी बुक में अपनी फिल कर लेना आप लोग, ठीक है। अब आ जाइए आज वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, यानी कि स्वर एंड व्यंजन। स्वर और व्यंजन क्या होते हैं आपके? सबसे पहले आ जाइए वॉवल्स पे। वॉवल्स जो होते हैं वो पांच होते हैं। कितने होते हैं? 5। ए, ई, आई, ओ, यू, ये आपके वॉवल्स होते हैं। और जो कंसोनेंट होते हैं, जो व्यंजन होते हैं, क्या होते हैं? बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो वॉवल्स होते हैं उसमें ए, डी, आई, ओ, यू आते हैं, ठीक है। और जो कॉन्सोनेंट होते हैं उसमें जो वॉवल्स के जो लेटर आ चुके होते हैं वो इस कॉन्सोनेंट में नहीं आते। ए, ई, आई को छोड़कर बाकी सारे आपके लेटर्स कॉन्सोनेंट में आते हैं। आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे ए नहीं है, ठीक है, यहाँ पे डी के बाद ई नहीं है आपका, ठीक है, और एन के बाद आपका ओ नहीं है, ठीक, और क्या नहीं है, टी के बाद आपका यू भी नहीं है। तो वॉवल्स जो होते हैं कितने होते हैं? 5। और जो कॉन्सोनेंट होते कितने होते हैं? 21। यानी कि टोटल लेटर आपके कितने हो? टोटल लेटर आपके 26 होते हैं, ठीक है। और ये हो गए आपके 5, और ये हो गए आपके 21। तो 21 में 5 कितने हो जाते हैं? 26। इन दोनों को मिलाते हैं लेटर कितने हो जाते हैं? 26। और इस, और जो अलग अलग कर दिया जाए तो वॉवल्स हो जाते हैं आपके 5, और जो कॉन्सोनेंट होते हैं आपके कितने जाते हैं? 21। अब आगे नीचे दे रखे आपको एक्सरसाइज, मेज द अल्फाबेट विद द राइट वॉवल, यानी कि इसमें आपको ये लेटर कुछ दिए हुए हैं, इनको आपको मैच करना है वॉवल और कॉन्सोनेंट से। मैंने आपको बताया वॉवल्स कौन से होते हैं आपके? ए, ई, आई, ओ, यू। क्यू जो है आपका, ये वॉवल्स में कॉन्सोनेंट में, देखिए क्यू कहाँ है आपका, ये है आपका क्यू। क्यू किस में दे रखा आपका? कॉन्सोनेंट में। तो आप क्या करेंगे, क्यू को कॉन्सोनेंट से मैच कर। अब क्या है आपका नेक्स्ट लेटर? आई। आई जो आपका है किसमें दे रखा है मैंने? ए, ई, आई, वॉवल्स में है ना, तो आप इसको किससे मैच करेंगे? आई को वॉवल से, ठीक है। अब आते हैं डब्ल्यू। डब्ल्यू जो आपका वॉवल से कंसोनेंट है। अब आप इसमें देखिए, यहाँ पर डब्ल्यू आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर डब्ल्यू दिखाई दे रहा है आपको, ये रहा डब्ल्यू, क्योंकि सिर्फ ए, ई, आई, ओ, यू सिर्फ आते हैं, तो डब्ल्यू आपको कंसोनेंट्स में, तो आप इसको क्या करेंगे? डब्ल्यू को कंसोनेंट से मैच कर देंगे। अब आता है नेक्स्ट लेटर आपका यू। यू देखिए, ये रहा आपका वॉवल्स में है ना, तो आप इसको वॉवल्स से मैच कर देंगे। नेक्स्ट है आपका एक्स। एक्स आपका किसमें आता है? कॉन्सोनेंट में, तो आप इसको कॉन्सोनेंट से मैच कर देंगे, ठीक है। ये जो वर्ग है आपका वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट, ये आपको पहले वॉवल्स लिखना है, फिर वॉवल्स आपको ऐसे लिखना है, फिर 5 ऐसे कर देना है, फिर सेकंड कॉन्सोनेंट्स, फिर आपको ऐसे लिख के 21 बता देना है, 21 होते हैं। उसके बाद ये एक्सरसाइज आपको अपनी कॉपी में भी करना है और बुक में भी करना है आपको, ठीक है। कॉपी बुक में भी आपको इसी तरीके से मैच करना है और कॉपी में भी आपको इस काम को करना है। और जो ये जो वर्क है पेज नंबर 4 का, जो मैंने आपको बताया अल्फाबेट वाला, ये कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, इसको आपको फिल करना है और कंप्लीट करना है, ठीक है। इतना आपको वर्क करना है। थैंक यू।